बुरहानपुर के श्री कृष्ण कॉलोनी में रहने वाली बेटी ओजस्विनी महाजन ने अपने पिता से 12वीं पास होने पर साइकिल का सपना देखा था। उसने कक्षा 12वीं में इस कदर से पढ़ाई की, उसका शासकीय सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में फर्स्ट नंबर आया। उसे अब शिवराज मामा स्कूटी देने जा रहे हैं। बुरहानपुर की 50 शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 12वीं के 94 टॉपरों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें 23 अगस्त को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्कूटी का वितरण किया जाएगा, जिसको लेकर अब विद्यार्थियों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बेटी ने कक्षा 12वीं पास होने पर अपने पिता से साइकिल मांगी थी, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्कूटी देने जा रहे हैं, जिसको लेकर बेटी में भी खुशी दिखने को मिल रही है। शासकीय सावित्रीबाई फुले कन्याशाला से ओजस्विनी महाजन ने गणित संकाय से कक्षा 12वीं में 90.8% प्राप्त किए, स्कूल में पहला नंबर लाया, जिसको लेकर अब ओजस्विनी को स्कूटी मिल रही है। जब इस संबंध में कलेक्टर भव्य मित्तल से बात की तो उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा टॉपरों के लिए चलाई जाने वाली स्कूटी योजना में बुरहानपुर जिले से 50 शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के 94 कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। उन्हें 23 अगस्त को संजय नगर स्थित गुजर भवन में स्कूटी का वितरण किया जाएगा। यह हमारे जिले के क्रीम विद्यार्थी है। क्या सपना था, आप क्या लेना चाहते थे, आपके पापा से क्या मांग थी और अब आपको स्कूटी मिलने जा रही है, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे मतलब अपने स्कूल के टीचर्स पर भी बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि मतलब मेरे टीचर्स इतने अच्छे थे कि उनके वजह से मैं यहाँ पर पहुँच पाई। और मतलब मुझे स्कूटी की तो बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी। मैंने पापा को बोला था, साइकिल के लिए बोला था, बट शिवराज मामा स्कूटी दिला रहे हैं तो इससे ज़्यादा और खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। और मुझे और अभी आगे स्कूटी पर ही मतलब कॉलेज जाऊंगी, सोचा तो साइकिल का था बट जाएगी अभी स्कूटी पर। मतलब स्कूटी मिल रही है, मतलब हाँ। मामा मांग पूरी कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम आपका? ओजस्विनी प्रमोद महाजन। कितने परसेंट बने थे आपको? 90.8 सावित्री बाई फुले शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक। रहने वाले बुरहानपुर अंकिता मल्टीप्लेक्स श्री कृष्ण कॉलोनी। स्कूटी का वितरण होना चाहिए, से कितने बच्चे लाभान्वित हुए? हमारे जिले में 94 बच्चे थे जिनको स्कूटी, ई स्कूटी, कुछ बच्चों ने स्कूटी प्रेफर किए, कुछ बच्चों ने इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रेफर की है। उनका वितरण 23 अगस्त को जिला मुख्यालय पर। कैसा सिलेक्शन हुआ उनका, मतलब जो अपने स्कूल में सबसे टॉप बच्चे आए हैं उनका सिलेक्शन हुआ है? तो ये एक तरीके से क्रीम है हमारे जिले की, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चे हैं।